ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ମା ବିମଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଷୋଡ଼ଶ ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ଏହି ଅବସରରେ ଗଜପତିଙ୍କ ଶ୍ରୀନରରେ ତେଇଶ ଜଣ ସ୍ରୋତ୍ରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବରଣ କରାଯିବ ରାଜଗୁରୁ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଛୁଆଁ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଗଜପତିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ରାଜଗୁରୁ ଏହି ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ବରଣ କରିବେ ମା' ବିମଳାଙ୍କ ପୀଠ ନିମନ୍ତେ ପୂଜକ ଜଣେ ପରିଚ୍ଛା ଚଣ୍ଡୀପାଠ ମନ୍ତ୍ରଯାପକ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠକଙ୍କୁ ବରଣ କରାଯିବ ଏଥିସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ବେଢା ପରିସରରେ ମା' ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମା' ବାଠମଙ୍ଗଳା ଏବଂ ମା' ଉତ୍ତରାୟଣୀ ପୀଠ ଲାଗି ପୂଜକ ଏବଂ ଚଣ୍ଡୀପାଠକ ବରଣ ହେବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠ ଯଥା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ଆଲାମ୍ ଚୀ ଏବଂ କପିଳେଶ୍ୱର ଶାସନର ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଷୋଳଶ ପୂଜା ପାଇଁ ପୂଜକ ଚଣ୍ଡିପାଠକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବରଣ କରାଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି त्रैलक्य हितार्थायम वधिष्यामी महासुरम जुग जुगधरी यही पवित्र दिवस ही धराभूमि भगवती कल्याणमयी अपार कुणामयी माँ दुर्गा दुर्गति नाशिनी अभय वर प्रदायिनी माँ दुर्गाकर ये मर्तमंडल आविर्भाव होता था आज समग्र आज्यावर्त भारत भूखंडे आज षोडश दिनात्मिकूजार अयमारंभ पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र उड्यान पीठ भगवती माँ विमलांकर पीठ में मध्य षोडश दिनात्मिक पूजार अयमारंभ हो सेमें गजपति महाराजा स्तृ ब्राह्मण मान वरण करीमंदिर महाप्रभुं पवित्र नीति अनुषित होता है धूप पूजा बढ़ी सारे माँ सहस्र कुंभाषेक जल द्वारा महाप्रभु को अभिषेक कर माँ को अभिषेक बढ़ी सारे महामा निकट धूप संध्या धूप चंदन रागी बड़ श्रृंगार ए समस्त नीति अत्यंत भाव गंभीर वातावरण मध्य स्वत्रिय ब्राह्मण मान द्वारा षोड़पचार पूजा मध्यम त्रिकाल पूजा महात्मा पीठ से अनुषित आम भिडी भल लगे हम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी नहीं